देखो फिर मुझे पूछना पड़ता है कि भाई इतने सुन पाते हैं कितने बोल पाते हैं। अच्छा हंस रहे हैं मतलब आवाज तो आ रही है तुमको। नमस्कार। अभी भी कुछ लोग ऐसा है जिनको या तो इनपुट नहीं जा रहा है या तो आउटपुट बराबर नहीं है। एक बार चांस है चेक करके देख लीजिए। क्या है कि ये शरीर के साथ ही आपको करोड़पति बनना है ना। yes, yes. चेक तो कर लो बराबर है कि नहीं स्पेयर पार्ट। बराबर मशीन में लफड़ा है तो करोड़पति बन के क्या करोगे। नमस्कार। ओके तो मुझे तीन बार क्यों याद दिलाना पड़े कि तू बोल सकता है। जो आप कर सकते हो वो भी आपको याद दिलाना पड़ता है कि तू कर सकता है, तब जाके आदमी करता है। हेलो सर। कितना मस्त आइटम है ना दुनिया में हम लोग। मैं भी आपकी जैसा हूं, खाली ये निकाल दूंगा तो आपके बिरादरी में आ जाऊंगा। आप में और अपने में खाली एक ही फर्क है कि आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। दूसरा फर्क ये है कि मैं बोल रहा हूं और आप सुनने के लिए बैठे हो। तीसरा फर्क ये है कि 50 रुपया देकर आप आए हो, हम खाली बोलने यहां पर आए। और इस दुनिया में खेल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है खेल, दूसरा होता है खिलाड़ी, दर्शक और खिलाड़ी। इस वक्त इस हॉल में दर्शक कौन है, खिलाड़ी कौन है? दुनिया का कोई खेल मुझे बता दो उसमें पैसा दर्शक कमाता है कि खिलाड़ी कमाता है? खिलाड़ी। तो बोलने की जरूरत है क्या? विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, मेरा के लेके जाओ। राइट नहीं है तो डूबेगी तुम्हारी। हेलो यस सर। मुझे लगभग 10वां साल शुरू है माई लाइफ स्टाइल कंपनी के साथ में, और मैंने मुंबई से मास्टर्स किया है मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। और इस खूबसूरत बिजनेस में आने के पहले मैं एक रेपुटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी किया करता था। 3,500 रुपए की नौकरी से मैंने नौकरी शुरुआत की थी और 45,000 रुपए की नौकरी को मैं रिजाइन करके इस बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट किया। मुझे ये बताओ कि इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है? तुम जाना घर पे आणि सांगा तुमच्या बायकोला की मी उद्या रिजाइन करतोय, बघा वो क्या बजाएगी देख लेना। तुम लोग मैं नौकरी छोड़ के ताली बजा रहे हो और कैसे बोलोगे आप? तो ताली जिंदगी भर बजाओगे या ताली बजवाने वाला कोई काम भी करोगे? करोगे ना। उसके लिए डेयरिंग लगता है, थोड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ता है। और नौकरी छोड़ते वक्त ना अपने कलेजे में खाली एक ही बात थी कि ये जो 45,000 रुपया ये कंपनी मुझे दे रही है। अच्छा आप लोग भी कामों में जाते हो? पहले पूछ लो कितने लोग जाते हैं भाई साहब, बहन जी। अच्छा तो काम का ही पैसा मिलता है कि मेहरबानी का पैसा मिलता है? अभी मैं आता हूं टॉपिक पे, तो चेक करना काम का पैसा है कि मेहरबानी में जी रहे हो। तो जब नौकरी छोड़ने की बारी आई सर, तो मुझे एक दिमाग में सवाल था कि जो 45,000 रुपया ये कंपनी मुझे दे रही है, ये मेरे काम का दे रही है या मेहरबानी का दे रही है? आवाज थोड़ी कम है। पक्का? यस। और जब काम का ही पैसा मिलता है तो मैं तो दुनिया के किसी भी लाइन में पत्थर फोड़ूंगा, मेरे को पैसा मिलना चाहिए। यस। फिर मैं डरू क्यों? तो मेरे मन में डर खाली इस बात का था कि अगर ये कंपनी मेरे को निकाल दिया, हकाल दिया, जीपीएल दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो मैं कहां जाऊंगा? तो कंपनी मुझे निकालती है तो इसका मतलब क्या मैं काम भूल गया? और मुझे अगर काम आता है तो मैं कहीं पर भी काम करके पैसा कमा सकता हूं। yes. तो मुझे डरने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आप तो बड़े समझदार लोग हो, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं कंपनी की मेहरबानी पे जी रहा हूं कि अपने टैलेंट पे जी रहा हूं। तो यह बिजनेस मुझे अपने आप को पहचानने का एक मौका दिया। अगर मेहरबानी पे जीता रहेगा अरविंद तो खत्म हो जाएगा तू, लेकिन अपने टैलेंट पे जी रहा होगा तो माई लाइफ के अंदर भी परचम लहराएगा तेरा। और इस बात को आज 10 साल हो गए हैं। आज देश भर में लगभग 7,500 लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग हमारी कंपनी का मंजन तेल साबुन इस्तेमाल करते हैं, कंपनी का माल बिकता है, अपने को माल आता है। हेलो। yes. यहां पर कोई पहली बार आया है? फर्स्ट टाइम? जी सर। आप सबसे करीब में सर बैठे हैं तो मैं जरा आपको बुला लूंगा स्टेज पर, प्लीज सर। आपका शुभ नाम सर? अतुल जी।
देखिए एक्चुअली कंपनी ने परमिशन नहीं दिया है, लेकिन क्या आपने भाई बहन जैसे हो, लेकिन बाहर लीक मत करना ये बात, कसम खाओ। जो देखेंगे यही देखेंगे, जो सोचेंगे यही सोचेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं सोचेंगे। तैयार हो? प्रतुल जी हमारी कंपनी का ऐप है, तो इसको पकड़िए अपने हाथ में, ये ऑप्शन में जाइए, ये बात इधर उधर, पहले नीचे आइए, उसको फोटो मेरा ही है, चेक कर लो। नहीं ये लोग को पता रहा, तसल्ली नहीं होती, तो इनको क्या हनुमान का सीना चीर के दिखाना पड़ता, देख रहे बाबा मैं हूँ। और आज वैसे भी हनुमान जयंती है, बोले बजरंग बली की नाम भी बराबर बराबर। आईडी नंबर छोड़ दीजिए, अब इसमें इनकम में जाइए, वापस क्लिक कीजिए उसको, ऊपर वीकली ऑन होल्ड पे जाइए जी। ये मेरा पिछले चार हफ्ते का इनकम जो कंपनी ने भेजा नहीं है वो बता देता हूं, जरा पढ़ के बताएं। ₹49,521 ये ₹30,936 ₹24,159 ये ₹45,058 महीने का अलग से देते हैं। आम के आम और तो इसमें महीने का मतलब चाहिए, यहाँ से वापस उसी ऑप्शन में जाइए, मंथली ऑन होल्ड देखिए, नीचे जाइए, नीचे मंथली ऑन होल्ड दिया है, कितना हो गया जरा देखिए उसको, ₹45,003 तो कितना हो गया जोड़ लिया, हाँ थोड़ा 2 लाख पकड़ लो, मोटी मोटा फिगर क्या फर्क पड़ता है अपने को। मेरे को ये लेवल पहुंचने के लिए माइलेज कंपनी में 10 साल लगे, 10वां साल ही मेरा चालू है, अगर आज मुझे कुछ हो भी जाएगा तो ये पैसा रुकेगा नहीं, आता ही रहेगा। मैं खाली आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जो काम धंधा आप लोग आज कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक लगे हो, 5 साल 15 साल 25 साल हो गए, आज भी फुर्सत नहीं है, कौन सा दिन फुर्सत आएगा? कोई उम्मीद नजर आई 2 लाख रुपए कब कमाओगे महीने के? हेलो, ये मैंने जो अभी आपको दिखाया, ये मैं आपको घी दिखाया, क्या दिखाया अतुल भाई, क्या है ये घी, और घी निकलता किससे है, भैंस से, नहीं गाय से भी निकाल सकते हो, ऐसे तो घी निकलता है दूध से, तो दूध आपने देखा है कि नहीं, आप जितने आइटम इधर बैठे हो आप सब दूध हो, और जितने स्टेज पे आए सब घी है, लेकिन दूध से घी कैसे बनना है अगर ये आपको समझ में आ गया तो आने वाले 3 साल के बाद आप भी दूध से बनकर घी निकल सकते हैं। बाकी हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, खाली इतना समझते कि ऊपर वाले ने इंसान बना के दुनिया में भेजा है, तो 2 बच्चे पैदा करके उनको पालने के लिए नहीं भेजा, कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, और बड़ा करने का काम वही कर सकता है जो जिंदगी में फैसला कर सकता है सब। और जो आदमी अपना खुद का फैसला नहीं कर सकता है, मतलब अपनी मर्जी से घर का मंजर नहीं बदल सकता है, ये आदमी क्या झंडा गाड़ेगा जिंदगी में यार। जो आदमी अपनी मर्जी से सेकंड क्लास के डब्बे से निकल के फर्स्ट क्लास में जाने की ताकत नहीं रखता है, ये क्या जिंदगी में तरक्की करेगा? हेलो, आप सड़क पे देखेंगे तो जो पैदल चलने वाले होंगे ना, उनका रफ्तार बहुत तेज होता है, और जो बाइक वाला होता है वो थोड़ा उनसे कंपटीशन में रहता है, साइड में चलो तुम लोग, और वो बोलता है तेरे को दिखता नहीं क्या बाइक लिया तो हवाई जहाज चलिए क्या, और उसे मैं 3 चक्के वाले देखो, इतना भाई में किधर जा रहे भगवान जाने, और उसी रोड पे एक मर्सिडीज वाला भी चल रहा होगा, उसको घाई होती, मुझे बताओ अमीर कौन है, जिसको घाई है वो या जिसको घाई नहीं है वो, तुम कौन से वाला आइटम हो? आम सकड़े टाइम नहीं पैसे नहीं वो वाले आइटम हो, या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा शांति से बैठने वाला आइटम हो? इस दुनिया में जिन्होंने अपने दिमाग पे काम किया है वो तरक्की की है, जिसने खाली शरीर पे काम किया वो खाली मेहनत करते हुए रह गया है, जिंदगी में तरक्की उसको नहीं मिलती है फ्रेंड्स। तो ये बिजनेस मत समझिए इसको, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा,
हकीकत कहता हूं, क्योंकि समझने वाला चीज है ही नहीं, ये करने वाला चीज है, ये करने वाला चीज है। आपको खाली आज एक भरोसा करना है अपने आप के ऊपर। किसके ऊपर? अपने दो आंखों के ऊपर, अपने दो कानों के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, कि आपको जो यहां पर दिखाया गया अगर आपके हिसाब से ठीक ठाक है क्या? yes. तो करना चाहिए। अब yes. इसका सलाह किसी से लेने मत जाना, क्योंकि सलाह लेने के लिए जाओगे तो सलाह हुआ आदमी क्या आपको देगा जो खुद वहीं पर पड़ा हुआ है। हेलो yes. तो कम से कम सलाह लेने वाले का लेवल तो चेक कर लो, तुम्हारे लेवल का है या तुमसे नीचे के लेवल का है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो लखपति से सलाह लेने का मतलब है क्या? तो ढूंढो कोई करोड़पति होगा तो आपको करोड़पति बनने का सलाह देगा, लेकिन जो रोडपति होगा, तुम करोड़पति में रहोगे तुमको रोड पे लेके आ जाएगा। तो सलाहकार चुन लीजिएगा। और आखिरी बात मेरी, करोड़पति का मतलब, करोड़ छोड़ दो, पति का मतलब तो मालूम होगा। कितने लोग पति है इधर? पति गयो कि पति भयो कि पति भयो? अच्छा, सब पति है ना। तो पति का हिंदी मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है मालिक, मी तुझा नवरा, है ना। भाषा कोई भी होनी चाहिए, पति मतलब मैं तेरे को लेके आया, बराबर कि नहीं सर? तो उसके ऊपर इतना रोब दिखाता है, रे बाप रे बाप। लेकिन जिस दिन उसके अकाउंट में माल आना शुरू हो गया ना, सारा रोग झाड़ के निकाल देंगे, क्योंकि असली लक्ष्मी तो वही है जिसके पीछे भाग रहे। तो पति का मतलब होता है मालिक। अभी तुम चेक करोगे तुम कौन से पति हो, पैसे के मामले में करोड़पति हो, लखपति हो, या हजार पति हो, या ओनली पति हो। पैसा आने से कोई मालिक नहीं बनता भाई साहब, उस पैसे को पचाने की ताकत आती है ना, उससे आदमी मालिक बनता है। तो करोड़पति बनना है अगर आपको, तो करोड़पति बनने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी, और ताकत पैदा करने का काम होगी माई अच्छा। आओ, कुछ जाएगा नहीं, पैसा दो, सामान दो, बाकी सीखते रहो, सीखते सीखते कर जाएंगे। यहाँ पर जाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बात रखना मेरी बात, अगर आज बात नहीं माना तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से एक अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। और जिनके मानने पे या जिनकी बात सुनने के बाद में तुमने ये फैसला किया कि ना ही कर, ऐसा है कल को जिंदगी में कभी तकलीफ आएगी, उसे 500 रुपया खाली मांग के देखना। अगर वो 500 रुपया तुमको दे दिया तो जो बोलेगा वो करना, अगर 500 रुपया नहीं दिया, खाली बहाना दिया, तो उसको चॉइस आपकी, जिंदगी आपकी है, डिसाइड आपको करना है। मिलके काम करेंगे। माई लाइफ कंपनी की तरफ से 3 चीज की गारंटी हम स्टेज से देते हैं। पहली गारंटी, आपने पैसा दिया आपको सामान मिलेगा। दूसरी गारंटी, आपने बिजनेस दिया आपको पैसा मिलेगा। तीसरी गारंटी, अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको बदल दिया जाएगा। तो मेरी शुभकामना आपके साथ में है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।